मेरे रस के कमर। अरे भाई साहब, बहुत ही शिद्दत से लिखा है। गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है। मेरे रस के कमर। बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गांव में जाके चमक जाएगा। खूब कर दो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? काहे कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपी लाना सुना रहे? अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन दो दद्दा, उसमें कहा है? कोई और। सुनो कि कोई दीवाना कहता है। त्रिवेदी जी पगला गए क्या? कुछ अपना सुनाइए, तड़कता भड़कता एकदम। तो लो भैया, तड़कता भड़कता लो, अब बिल्कुल तड़कता भड़कता। हेलो हेलो, एक दो तीन, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही। हेलो, माइक में ना घुसो, मुंह चिपक जाएगा। हाँ लो 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 लो, कि बंदर मामा पहन पजामा। दिमाग खराब करे, हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा करत कवि सम्मेलन में। तो काय आए हो यहाँ? मजा। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते पशु। आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए छोड़िए, समझिए नहीं आया होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए री चप्पल जी, आइए। चंदन लिखा भाई, सब किस तरह पढ़ते हैं? नमस्ते, मैं आज यहाँ। तुम वही हो ना जो कल नोक वाली गली में छत पे खड़े होके हमको देख के हंस रहे थे, है ना? और हमने कहा भी था काहे खी से बगार रहे हो, है ना? है ना? है ना? हाँ। मैं बचपन में निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है तभी नीचे बैठे हो। वो एक समय था और उस वक्त मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरा सहयोग किया और इन्हीं के सानिध्य में मैंने कविता पाठ करना सीखा है। और आज मैं गुप्ता जी को सहृदय धन्यवाद दे। गुप्ता जी, हाँ? मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, भाग नहीं जाएगा कहीं, आप ही के पास रहेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से। चलो कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या मजा आ गया, कौन सा रस प्राप्त हो गया बताइए? नहीं, क्या मजा आ गया आपको पहली पंक्ति में ही? ऐसा आपको क्या नजर आ गया जो लग रहा है कि मैंने कह ढा दिया बताइए? अरे वो हास्य, कविताएं सिर्फ हास्य रस के लिए नहीं बनाई जाती हैं। अरे छोड़िए उसको चप्पल जी, सॉरी गलती हो गई। कुछ ज्यादा ही गलती हो रही है आपसे, देखे रहिएगा कहीं गलती का घड़ा भर ना जाए हमारे सामने। अरे कविता सुनाइए सुनाइए। मेरी आज पत्नी, खराब हो गया मूड। क्या सुना है बताइए? कविता सुनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है, बंदे ने खराब कर दिया मेरा। सुनाओ यार, सुनाना है तो घंटा भर से मनौना ले रहे हो। अबे पागल, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मोबाइल चलाइए बस। माफ कीजिए आप लोगों को, एक बार फिर कष्ट हुआ। उतनी दर्द कष्ट ही तो हो रहा, हो क्या रहा है? कोई कविता सुनाने वाला तो है नहीं, कभी सम्मेलन रखे हो। हमने अगर कष्ट दे दिया तो यही भगवान नीचे बल्ली गिर पड़ोगे। अरे माफ कीजिए। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। क्या बात है? जी हाँ, कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो।
बताएं, इतनी बढ़िया बढ़िया शायरी सुना दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। चलिए अगले कवि का स्वागत कीजिए। वरिष्ठ कवि हैं श्री हृदय बचकान तिवारी जी। हृदय बचकान तिवारी जी, स्वागत है आपका। हृदय बचकान तिवारी जी, आइए हृदय बचकान जी आइए। कुछ भी बक बक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। पहला कवि, पहला कवि देखा जो आज सच में कविता सुनाया। प्रणाम महाराज। अरे सब गंवार तो हम थोड़ी गंवार। आगे सुनो। पीछे ताश खेली जा रही। अब कौन ताश खेल रहा यार? तुम लोग को थोड़ी देर राहत नहीं हो रही? जितनी देर कवि सब मैंने चला उतनी देर में तुम लोग दीवार ताश सट्टा सब खेल डालो। आज हमारे ऊपर चिल्ला रहे, हम खेले का? ए बेटा, ये हमारी कविता पहली पंक्ति है। हाँ तो पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें पेली जा रही। अरे बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे सुनो। हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे आउट सुनो। खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया, जान जा रही। खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया, जान जा रही। पंखा मंच पे गिर गया, एम्बुलेंस आ रही। शांत रह यार, बाप बाप कर रहे हो क्या? मजा आ गया ना, कोई रास्ता ना कुछ, क्या सुना रहे हो? हमको तमझिम नहीं आता, इससे लोग कभी कैसे बन जाते हैं? बेटा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा। दिमाग नहीं का बच्चा, गोबर भरा का। अरे इच्छे लोगों पे हम एक शायरी सुनाते, रुको। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा, जब कविता समझ में आए नहीं, दिमाग भरा कूड़ा। भैया पैंट खींचो का।